है वो परछाई। आसिफ, वो मेरे पिताजी। अक्षय कुमार की नई आने वाली फिल्म लक्ष्मी बॉम्ब के अंदर भी फिर से वही हिंदू मुस्लिम लव स्टोरी का मैटर दोबारा से आ गया है, और जिसके अंदर फिर से वही लोग इसको लव रियाद को बढ़ावा देने वाली फिल्म है ऐसा कहकर इंटरनेट पर खूब ज्यादा शेयर कर रहे हैं। लेकिन असल में ऐसा वो लोग क्यों कह रहे हैं और इसके पीछे की सारी कहानी क्या है, चलिए इसको पूरी डिटेल में समझते हैं। असल में लक्ष्मी बॉम्ब फिल्म जो है इसके अंदर अक्षय कुमार जो है वो आसिफ नाम के लड़के का रोल निभा रहे हैं, और जबकि उनकी जो वाइफ है कियारा आडवाणी उनका रोल है प्रिया का। मतलब कि यहाँ पर एक तरह से हिंदू लड़की ने एक मुसलमान लड़के से शादी की, इस तरह की स्टोरी इसके अंदर दिखाई गई है। हालांकि फिल्म की स्टोरी का मेन फोकस जो है वो इस स्टोरी के ऊपर नहीं है, बल्कि एक कॉमेडी और एक तरह से हॉरर फिल्म के ऊपर इसका ज्यादा मोटिव है। लेकिन काफी सारे लोग जो है वो इसको ये कहकर इंटरनेट पर शेयर कर रहे हैं कि ये लव जिहाद को बढ़ावा दे रहा है। अब असल में सिर्फ ये कुछ लोग ही नहीं है जो कि इस तरह की राय रख रहे हैं, इसके बारे में कई सारे लोगों की कई सारी राय है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि भैया ऐसा इस फिल्म के अंदर कुछ भी नहीं है, और क्योंकि बिहार के अंदर इलेक्शन आने वाले हैं और बिहार के अंदर इलेक्शन आने पर हिंदू मुस्लिम का माहौल बनाना देश के अंदर, इससे सीधा जो है वो बीजेपी को फायदा मिलता है, तो इसीलिए इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है। तो कुल मिलाकर लोगों की जो है वो इस पर अलग अलग राय है, और इसी को लेकर कई सारे ट्रेंड ट्विटर पर इस समय चल रहे हैं, जिसके अंदर एक ट्रेंड चल रहा है वी लव यू अक्षय कुमार, और जिसके अंदर लोग ये कह रहे हैं कि भैया आपने कुछ भी गलत नहीं किया है। वहीं दूसरी तरफ एक ये भी ट्रेंड चल रहा है कि भैया शेम ऑन यू अक्षय कुमार, मतलब कि जो अक्षय कुमार ने ये काम किया है उसके लिए उन्हें शर्म आनी चाहिए। अब आप खुद को यहाँ पर किस श्रेणी के अंदर पाते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिलहाल सारा मैटर इस कहानी के पीछे ये है, और इसी को लेकर अक्षय कुमार का नाम और लक्ष्मी बॉम्ब फिल्म का नाम एक बार फिर से ट्रेंड में काफी चल रहा है। सो गाइस, इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको मेरा कंटेंट पसंद आया होगा और साथ ही समझ में भी आया होगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि फ्यूचर में भी आपको मेरा कंटेंट देखना चाहिए, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही लाइक भी कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।